तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन और उनके आंसर्स। तो आज की वीडियो में हम उन सवालों के जवाबों को डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर के केस में किसी भी साइट इंजीनियर से या सीनियर साइट इंजीनियर से, यानी कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जब कोई बात आती है कंस्ट्रक्शन की और ख़ास करके बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स की, तो वहाँ पर ऐसे जनरल सवाल उनसे पुटअप कर ही दिए जाते हैं। तो उन सवालों के जवाब आपको कैसे देने हैं, उन चीज़ों को कैसे प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, तो यही सारी बेसिक चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे पहला सवाल है स्लैब साइकिल से लेकर, यानी कि जितने भी हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं तो उनमें प्रोग्रेस को दिखाने के लिए स्लैब को हमें जल्दी जल्दी कास्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में इंटरव्यू पूछ देता है किसी भी साइट इंजीनियर से कि आपके अकॉर्डिंग स्लैब का साइकिल कितने दिन में आना चाहिए। अब वहाँ पर साइट इंजीनियर बता देता है कि हम बहुत जल्दी स्लैब हम कास्ट करवा देते हैं, कोई 10 से 12 दिन भी बोल देता है, कोई 12 से 14 दिन भी बोल देता है, कोई 15 से 16 दिन भी बोल देता है। अब यहाँ पर ये ना एक अलग अलग आंसर्स हैं। अब इंटरव्यूअर अगर पूछ दे कि कहीं किसी भी IS कोड में या CPWD में इस चीज़ को लेकर, यानी कि स्लैब के साइकिल को लेकर स्पेसिफिकली ये डेज मेंशन है या नहीं है, तो इसके समझने के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा CPWD सब हेड नंबर 5 जो RCC का हमारा सब हेड है। वो क्या कहता है कि अगर कोई भी आप कास्टिंग कर रहे हो और जो कि आपकी है अपर स्लैब की, इसको मैं यू दे दे रहा हूँ, ये हमारी अपर स्लैब हो गई और ये हमारी लोअर स्लैब हो गई। यानी कि अगर आपको अपर स्लैब को कास्ट करना है तो इसकी कास्टिंग कितने दिन पहले हो जानी चाहिए, तो उसका ड्यूरेशन स्पेसिफिकली मेंशन है आपका 14 डेज का। यानी कि CPWD रिकमेंड करता है कि किसी भी स्लैब के ऊपर अगर आप एक और स्लैब की कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं तो उसकी जो कास्टिंग की जो ड्यूरेशन है, यानी कि अगर मान लीजिए लोअर फ्लोर मेरा 1 जून को कास्ट हुआ है तो इसकी कॉन्क्रीटिंग हमारी 14 दिन के बाद में, यानी कि 15 जून को होनी चाहिए। और ये 14 दिन आपके स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो जितने भी आप ऐसे आंसर दे सकते हैं आप अपने हिसाब से बता सकते हो इन चीज़ों को, 12 से 14 दिन या जो भी 15 से 16 दिन, बस स्पेसिफिकली CPWD में क्या मेंशन है तो इसका रेफरेंस आपको ज़रूर देना है, तब जाके इसका आंसर ये प्रॉपर होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आजकल के ट्रेंड में बहुत सारे MS और कंक्रीट के कंपोजिट स्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स बन रही हैं, यानी कि बिल्डिंग को फास्ट काम करने के लिए, यानी कि उसमें आपकी MS की बीम्स भी यूज हो रही हैं, जो शटरिंग की जगह उसको डेक सीट से रिप्लेस कर दिया है। यानी कि आपने क्या किया, जो ISMB आपकी आती हैं इनसे आपने पूरा मेंबर इकट्ठा किया, उसमें आपने कनेक्टिंग में ISMB की बीम जोड़ी, बीम जोड़ने के बाद में उसमें आपने डेक सीट बिछा दी, यानी कि जो GI की सीट आती है। अब जब वो GI की सीट बिछती है तो वहाँ पर जितने भी आपकी बीम्स की जो फ्रेमिंग लगी होती है तो वहाँ पर ये MS के स्टड्स लगा दिए जाते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। तो बेसिकली सवाल ये आता है कि जो भी हमारे जो कंपोजिट कॉन्क्रीट और स्टील के जो RCC के स्ट्रक्चर्स हैं तो इनमें इन MS स्टड्स का क्या रोल है, ये क्यों दिए जाते हैं। अब इसको आपको ऐसे समझना है कि बेसिकली जब आपकी कंक्रीट की स्लैब वगैरह कास्ट होती है तो वो एक ही बार में पूरी ऑन साइट कास्टिंग होती है। आपका स्टील कैसे रहता है उसमें, मैं एक स्केच बना के दिखाऊंगा आपको। जैसे कि ये आपकी बीम हो गई, ये स्लैब है, ये बीम है, तो इसका स्टील कुछ इस तरीके से होगा बीम का, ये आपकी स्लैब होगी, स्लैब का सरिया कुछ इस तरीके से जाता है या इसके ऊपर से भी चला जाता है, कभी कभी बॉटम का इसके अंदर से जाएगा और ये आपकी रिंग आ जाएंगी और कुछ इस तरीके से रहेगा। फिर आदमी बाद में इसमें कंक्रीट पोर कर देते हो, ठीक है। अब ये हुआ कि बेसिकली एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बन गया, बेसिकली एक मोनोलिथिक बन गया, यानी कि कभी भी लोड आएगा या अर्थक्वेक की मूवमेंट होगी तो ये बीम और स्लैब एक साथ एक मोनोलिथिक वे में मूवमेंट करेंगे। वहीं अगर मैं इसको साफ करता हूं
वहीं मैं अगर इसको साफ करता हूँ, जैसे कि ये हमारी आ गई डेक सीट, डेक सीट के नीचे इस तरीके से आपकी ये ISM भी लगी होंगी या जो भी बीम्स होंगी ये कुछ इस तरीके से होंगी। एक मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ ऐसे करके। अब डेक सीट आपके इसके ऊपर रखी हुई है, यानी कि ये डेक सीट है आपकी। डेक सीट के ऊपर आप क्या करोगे, रेनफोर्समेंट स्टील बिछा दोगे। तो यहाँ पर ISMB का और आपकी स्लैब का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, यानी कि अगर आपने बिना स्टड्स के कंक्रीट कास्ट कर दी तो ये वाली स्लैब और इस बीम का एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये आपकी ISMB है, अगर मैं ISMB बना देता हूँ, जो आप इमेज में देख रहे हैं जो स्टड्स निकले हुए हैं, तो वो यहाँ पर ये इस तरीके से इन स्टड्स को जो भी डिजाइन किया जाता है इस बीम से कनेक्ट करके वेल्ड करके ऊपर निकाल दिया जाता है इस तरीके से, जिससे कि बाद में आपकी जब कंक्रीट पोर हो जाएगी तो ये स्टड्स और बीम स्लैब को आपस में जोड़ के एक मोनोलिथिक बना देंगे, जिससे कि कभी भी अगर मूवमेंट होगी किसी भी टाइप की तो वो एक यूनिफॉर्म वे में लोड ले सके, या अर्थक्वेक के टाइम पर कोई भी जोल्ट या झटके वगैरह आते हैं तो इन दोनों के बीच में आपस में किसी भी टाइप का कोई क्रैक वगैरह डेवलप ना हो, स्ट्रक्चर को किसी भी टाइप का डैमेज ना हो। तो MS स्टड्स का हमेशा हमारा यूज होता है कि बीम और स्लैब के जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एक मोनोलिथिक या फिर एक कंपोजिट बना सकें। ठीक है, ये सवाल आजकल के ट्रेंड में है, जितनी भी कंपनियां MS और CC के जो कंपोजिट स्ट्रक्चर कर रही हैं तो वहां पर ये सवाल ज़्यादातर के केस में पूछ दिया जाता है। अगला सवाल है हमारा कि हम कभी भी किसी भी टाइप की फ्लोरिंग करते हैं, चाहे वो स्टोन हो, चाहे इंडियन मार्बल हो, चाहे वो टाइल हो या किसी भी अदर शेड की फ्लोरिंग हो, तो वहां पर हम स्कर्टिंग क्यों लगाते हैं, इसका टेक्निकली फंक्शन क्या होता है। यानी कि अगर आपका कोई भी ये फ्लोर है, ये आपकी वॉल आ जाती है, आपने यहाँ पर टाइल लगाई और टाइल लगाने के बाद में आप यहाँ पर ऐसे स्कर्टिंग लगा देते हैं 100 mm की, ये स्कर्टिंग का टेक्निकली फंक्शन क्या होता है, इसका जवाब बहुत सारे इंटरव्यूज में सवाल जो है बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ज़्यादातर के इंजीनियर्स इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं। हमेशा याद रखना है कि स्कर्टिंग का जो मेन फंक्शन होता है वॉल को सीपेज से बचाने का, यानी कि किसी भी टाइप की पानी की प्रॉब्लम होगी, पानी कहाँ पर गिरेगा, फर्श पे गिरेगा, फर्श पे गिरेगा तो वो वॉल के पास जाएगा। अगर यहाँ पर कहीं भी गैप हुआ, अगर हमने स्कर्टिंग नहीं लगाई, तो वो पानी सीधा आपकी इस वॉल में यहाँ पर चला जाएगा। अब जैसे जैसे पानी इसमें जाएगा तो ये वॉल में जो ब्रेक होगी या जो भी चीज़ें होंगी वो उसको सोख लेंगी, सोखने के बाद में आपने इसके ऊपर पेंट कर रखा होगा और एक टाइम बाद उस पानी को इवेपोरेट होना ही होना है। जैसे भी वो इवेपोरेट होगा, यानी कि पानी या तो बाहर जाएगा दोनों तरफ और यहाँ के पेंट को पूरा वो ख़राब कर देगा, उसमें ब्लिस्टरिंग हो जाएगी, नहीं तो पील ऑफ होके वो चीज़ फिर झड़ने लगेगी। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है कि वॉल्स को हमें सीपेज से या फिर मतलब पानी से प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए हमारी स्कर्टिंग लगाई जाती है। और स्कर्टिंग हमेशा कैसी लगनी चाहिए, अगर आपकी ये टाइल है तो ये टाइल आपकी पूरी वॉल तक जानी चाहिए और फिर इसी टाइल के ऊपर से इस तरीके से स्कर्टिंग हमारी आनी चाहिए। ये जंक्शन वाला पॉइंट आप ध्यान से देख लो, और इसलिए हमें इसको स्कर्टिंग को वॉल को सीपेज से बचाने के लिए लगाना होता है, ये हमारा टेक्निकल रीजन है। दूसरी चीज़ वो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें अच्छी लगती है, तो इसलिए भी हम ये दूसरा पॉइंट उनको बता सकते हैं, जो ज़्यादातर के केस में जनरल में बताते हैं, लेकिन मेन रीज़न होता है कि वॉल को पानी से बचाने का। तो दोस्तों इसके बाद में बहुत ही कॉमन सवाल, सपोज आपकी साइट पर कॉन्क्रीटिंग चल रही है और वहाँ पर कॉन्क्रीट का ग्रेड है M25, आपकी साइट पर कास्टिंग हुई, आपने क्यूब भरे, फिर उन्हीं क्यूब्स की 28 डेज पे टेस्टिंग होती है, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए कि वो आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में, यानी कि वो क्यूब पास है। ज़्यादातर के केस में वो लोग खुद बताते हैं कि जितना भी लोड आया आपने उसके सरफेस एरिया से डिवाइड किया और इसकी स्ट्रेंथ आ जाती है, मान लेता हूँ 26 N/mm², या फिर आप कह सकते हो कि 25 भी आ जाती है, और ये कितने डेज पे आ रही है, 28 डेज पे। तो क्या ये क्यूब हमारा पास है या नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो ज़्यादातर के केस में पूछ दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में बेसिकली वो पूछना चाहता है कि अगर M25 ग्रेड की कंक्रीट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में बता दूं, ये 25, 26, 27 और 28 N/mm² पर ये पास नहीं है H/IS 456। उसके पीछे का लॉजिक है, किसी भी उसके आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को देखोगे तो उसके जो 28 डेज की स्ट्रेंथ में हमारा फॉर्मूला जो लिखा होता है FCK+4 N/mm
mm2 अगर उसमें कॉन्क्रीट का ग्रेड M20 से ऊपर है। तो इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 25+4 यानी कि 29 N/mm² उसकी स्ट्रेंथ आएगी, तो वो जाके कहीं M25 वाला क्यूब पास होगा 28 डेज में। तो ऐसी गलती आप लोग भी ना करें कि 25, 26, 27 का वो क्यूब पास नहीं है, रिजल्ट आपके सेटिस्फैक्टरी हैं, लेकिन अगर एस पर IS-456 के थ्रू उसको पास कराना है तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी आनी ही आनी चाहिए। अब यहाँ से दूसरा सवाल आ जाता है कि अगर हमारी कंक्रीट की ग्रेड M25 है तो हमें ये 29 N/mm² क्यों चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए कभी भी क्या हुआ होगा कि जब आपकी साइट पर कंक्रीट का डिजाइन मिक्स हुआ होगा तो जो भी मटेरियल सैंपल्स वगैरह सारे आपके ISO सर्टिफाइड लैब में भेजे गए होंगे, तो M25 का डिजाइन मिक्स करने के लिए इसकी टारगेट स्ट्रेंथ निकाली गई होगी। और टारगेट स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है IS-10262 में जो आपका डिजाइन मिक्स का कोड है 1.65 × S+FCK, यानी कि अगर आप M25 के लिए डिजाइन मिक्स करा रहे हो तो उसकी टारगेट स्ट्रेंथ कितना लेके चलोगे, कि जब हमारी साइट पर कभी कभी क्या होता है उसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हो पाया, कभी कभी उसकी प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हो पाई, हैंडलिंग नहीं हो पाई, कंक्रीट को आने में ज़्यादा टाइम लग गया, यानी कि 30 मिनट हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, कॉन्क्रीट हम देख रहे हैं 1 घंटे से वो कास्ट हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमें टारगेट स्ट्रेंथ निकालनी होती है। तो 1.65 को आप मल्टीप्लाई करोगे, एस हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मार्जिन कितना लेना है, तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर 4+25, बेसिकली ये टेबल से देखना पड़ेगा, तो इसकी ऑन एन एवरेज 20 N या फिर अप्रोक्सीमेट 31 के आसपास निकल के आएगी अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जब आपने डिजाइन मिक्स 31 N/mm² के लिए किया था तो उसके अगेंस्ट में हम इतना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तो आपसे मांगे ही मांगेंगे। आपने डिजाइन इतने का कराया और आपकी स्ट्रेंथ 25-26 तक रह जा रही है, तो या तो आपने कहीं क्यूरिंग में कंप्रोमाइज किया है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू है, तो ऐसी चीज़ की सियोरिटी के लिए हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन कभी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि M25 की जो कॉन्क्रीट है अगर हमारी इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है तो वो पास है या फेल है, तो आपको सीधा बोलना है कि वो फेल है एज पर IS-456। अगर उसको पास होना है तो उसको कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए थी M25 की, 29 N/mm². दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो M30 का होता तो M30 के लिए कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होगी आपको, 30+4 जो हमारा ये वाला पासिंग क्राइटेरिया लिखा हुआ है IS-456 में, तो 34 N/mm² पे जाके M30 वाले क्यूब हमारे 28 डेज पे पास होंगे, ठीक है। और ये टारगेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना है जो डिजाइन मिक्स के लिए मैंने बताया। इसके बाद में बहुत ही कॉमन सवाल जो ज़्यादातर के केस में जिनको एक्सपीरियंस साइट पर 6, 7, 8, 9, 10 साल का है कि प्राइमर कितने टाइप के होते हैं और किसी भी वॉल पे अगर हमें पेंट करना हो तो प्राइमर का उसमें फंक्शन क्या होता है, बहुत ही छोटा सा सवाल है और रेगुलर बेसिस पर ये प्रोजेक्ट्स पर यूज होता है। लेकिन जब इसके जवाब की बात आती है कि इसके बारे में हम क्या बताएं, तब वहाँ से थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। तो आपको 4 से 5 पॉइंट सिंपली क्लियर करने हैं उस टाइम पर। सबसे पहला पार्ट हो जाता है आपका कि जो प्राइमर होता है वो आपकी जो वॉल का सरफेस होता है, यानी कि आपने पुट्टी कर दी या जिप्सम प्लास्टर कर दिया या POP की पनिंग कर दी, सैंड पेपरिंग कर दी, झाड़ने के बाद में अब आपको प्राइमर लगाना है। प्राइमर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्राइमर आपको बहुत ही स्मूथ एंड इवन सरफेस देता है, ठीक है, ये पहला जवाब है। दूसरा हो गया, प्राइमर करने से आपका कवरेज यानी कि पेंट की जो कवरेज होगी वो एरिया ज़्यादा इंक्रीज रहेगा, तो यानी कि पेंट की कंजम्पशन कम आएगी, कवरेज एरिया इंक्रीज करता है। कैसे करेगा, आपका जो बेस था वॉल का आपने उसके ऊपर प्राइमर का कोट कर दिया, अब क्या होगा कि आप जो भी पेंट करोगे तो प्राइमर बेसिकली पेंट को पी नहीं पाएगा, यानी कि वॉल के पीछे का जो बेस होगा ना आपकी पुट्टी होगी या जिप्सम प्लास्टर होगा वो पेंट को पीने की कोशिश करता है, सोक करने की कोशिश करता है, जिससे पेंट की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करके प्राइमर आपका कवरेज एरिया बढ़ा देता है जिससे कि लेस कंजम्पशन होती है पेंट की। दूसरा हो जाता है, इसमें आपके एडिटिव्स होते हैं बाइंडर एडिटिव्स,
बाइंडर एडिटिव्स का मीन हो गया कि किसी भी प्राइमर किए हुए सरफेस के ऊपर अगर आप पेंट करोगे तो उसकी जो बॉन्डेशन होगी यानी कि जो अडेरेंस होगी पेंट के साथ वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है, जिससे कि पेंट जल्दी से आपका ख़राब नहीं होता है, पील ऑफ नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी आप इसमें बता सकते हो। चौथा हो जाता है कि जब एक लेयर आपने बिछा दिया है तो अगर किसी भी कलर को आप कर रहे हो तो कलर में शेड या फिर जो वेरिएशन है वो नहीं आते हैं, ठीक है, कलर या शेड का वेरिएशन नहीं आएगा। तो मेजरली हमारे जो दो पॉइंट हैं प्राइमर को लेकर वो आपको यही बताने होते हैं, स्मूथ एंड इवन सरफेस के लिए और कवरेज एरिया को या फिर पेंट के कंजम्पशन को लेस करने के लिए। अब इसके बाद में एक सवाल और आ सकता है कि प्राइमर कितने टाइप के होते हैं। प्राइमर आपके दो टाइप के होते हैं, एक ऑयल बेस्ड प्राइमर और एक वाटर बेस्ड प्राइमर। आप ऐसे भी बता सकते हो कि एक्सटीरियर प्राइमर हमारा अलग आता है और इंटीरियर प्राइमर अलग आता है, तो ये भी आप बता सकते हो। तो बेसिकली जो टाइप हैं वो ऑयल बेस्ड एंड वाटर बेस्ड हैं। वाटर बेस्ड आपका सस्ता होता है, ऑयल बेस्ड थोड़ा महंगा होता है। और बेस्ट कौन सा होता है? ऑयल बेस्ड प्राइमर सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसको यूज हमेशा महंगे पेंटों में किया जाता है। जो पेंट आपके 600, 700, 800 रुपये लीटर आते हैं और आपको किसी भी रूम में बहुत ज़्यादा सीन चाहिए, साइन चाहिए, तो वहाँ पर कोई भी कलर का वेरिएशन वगैरह नहीं देखना है और स्मूथ बिल्कुल मतलब अच्छे से वॉल का बेस तैयार करना है तो वहाँ पर रिकमेंडेड होता है ऑयल बेस प्राइमर। और जितने भी होटल्स वगैरह के हाई एंड प्रोजेक्ट होते हैं तो वहाँ पर हमेशा ऑयल बेस प्राइमर ही यूज किया जाता है। वाटर बेस प्राइमर हमारे जो इन जनरल जो फ्लैट्स हो गए घरों में तो वो हमारा ये यूज होता है, लेकिन काम और फंक्शन दोनों का सेम ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है तो इसको हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे। मैंने और भी वीडियो शूट किए हैं 4-5, वो मैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में उनको अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं ये आपको पता थे या नहीं थे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।